आज 5 नगर पालिकाओं में रोड शो हुआ है बूंदी जिले की। पांचों में इतना जबरदस्त उत्साह, संख्या जितना मायना रखती है उससे ज्यादा उत्साह मायना रखता है। स्पार्क है कांग्रेस के कार्यकर्ता में, आम आदमी में। आपने देखा बूंदी में जिस तरीके का जोश जुनून और आम व्यापारी में जिस प्रकार का चेहरे पे भाव समर्थन का नजर आ रहा था। मैं समझता हूँ कि अब बिरला जी की विदाई तय है और इस बार कांग्रेस इस पार्लियामेंट को जीतेगी। और मैंने आज अमित शाह जी से पूछा, क्यों जवाब नहीं देखे गए हैं? वो जवाब देखे जाना चाहिए था ना। दाऊद इब्राहिम के पार्टनर की गाड़ी का पास ओम बिरला ऑफिशियल लोकसभा से इशू कराता है, दुनिया के पीछे CBI लगाते हो। JM जोशी भी CBI ने जेल में बंद किया है। बिरला जी की जाँच करो ना भाई, दाऊद इब्राहिम के पार्टनर की गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं? और दो कंपनियां जो अफोर्डेबल हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग में रजिस्टर्ड के मकानों में रजिस्टर्ड है और 200-400 करोड़ के ठेके ले रही है, जरा ID भेजो अमित शाह जी। मैंने कहा था ना, भेजना था ना ED, मैंने कुछ बोल के जाना वरना आपके नैतिकता के दायरे खूंटी पे टक जाएंगे, टक गए खूंटी पे। और इसलिए जनता देख रही, इलाज करेगी। वोट का प्रतिशत घटा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति चार्म नहीं बचा लोगों में वोट डालने का, इसलिए घट गया। कोटा में बढ़ेगा, आप मान लेना, आज घोषणा कर रहा हूं मैं आप, क्योंकि कोटा प्रहलाद गुंजल को जिताना चाहता है ताकत से।